हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है मोनेटाइजेशन को लेकर, और साथ ही कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन आए हैं जिसको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो सबसे पहले आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा और आपको फिर से अप्लाई करना होगा चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद आपका चैनल रिव्यू में जाएगा, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होगा। इसलिए आपको पूरा टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, तब जाकर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो YouTube का जो न्यू मोनेटाइज पॉलिसी आया है कल नाइट में, मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया वीडियोस बनाने में, क्योंकि दोस्तों मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो मैं पूरा रिसर्च करने के बाद इस टॉपिक पर वीडियोस बना रहा हूं। दोस्तों क्या हुआ है कि YouTube का जो न्यू मोनेटाइज पॉलिसी आया है उसके साथ कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन आया है, और साथ ही वॉच पेज, शॉर्ट मोनेटाइजेशन सब कुछ आया है, बहुत सारे अपडेट इसमें आया है। तो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे कैसे सब कुछ करना है और कौन कौन से अपडेट आए हैं। तो चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों अगर आपका शॉर्ट चैनल है तो उसको मोनेटाइज करवाने के लिए आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और लास्ट 90 डेज में आपके चैनल पर 10 मिलियंस व्यूज होने चाहिए, तब जाकर आपका शॉर्ट चैनल मोनेटाइज होता है। लेकिन वहीं पर अगर आपका लॉन्ग चैनल है तो उसको मोनेटाइज करवाने के लिए आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए, तब जाकर आपका लॉन्ग चैनल मोनेटाइज होता है। दोस्तों अगर आपका शॉर्ट चैनल है और आपके चैनल पर ये सब कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर और लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज़ या कंप्लीट होने वाला है, तो आप 1 फरवरी 2023 से अप्लाई कर सकते हो YouTube को। YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा, क्योंकि दोस्तों YouTube की तरफ से जो अपडेट आया है उसमें यही बताया गया है कि जितने भी शॉर्ट चैनल है वो अगर चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो कंडीशन को फुलफिल करने के बाद 1 फरवरी 2023 से वो चैनल को रिव्यू में डाल सकते हैं। और साथ ही YouTube ने बताया है कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा, जो कुछ दिनों में आपके चैनल पर शो किए जाएंगे YT क्रिएटर में और YT स्टूडियो में, दोनों जगह यह शो किया जाएगा, कुछ बैनर शो किया जाएगा। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, तब जाकर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। या आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। दोस्तों साथ ही YouTube ने यह भी बताया है कि 1 फरवरी 2023 से पहले अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। जो भी शॉर्ट वीडियोस पे जो भी आपको ऐड दिखाए जाएंगे किसी भी व्यूवर को, उससे जो भी अर्निंग होगा आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 10 जुलाई 2023 तक अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं है तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो दोस्तों उसको डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा और आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया जाएगा। बाद में आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए क्या करना होगा कि आपको फिर से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा और फिर से आपको अप्लाई करना होगा चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए। तो दोस्तों आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आपके YT स्टूडियो में या YT क्रिएटर में आपको कहीं भी पॉपअप फंक्शन शो करेगा तो वहां पर आपको क्लिक करके और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, जिससे आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपडेट है, और दोस्तों YouTube का जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशन है इसको तो आपको फॉलो करना ही होगा, तभी जाकर आप YouTube से पैसे कमा पाओगे, नहीं तो दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जो YouTube का जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।